नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स IRFC। इस कंपनी ने आज यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है एंड रिजल्ट आने से पहले लास्ट ट्रेडिंग डे में देखिए स्टॉक का प्राइस लगभग 10% के आसपास अप मूव किया है। इसका मीनिंग है कि मार्केट मानकर चल रहा है कि आने वाले टाइम में इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ सकता है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे हाई और हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। जैसे कि देखिए लास्ट वन ईयर से स्टॉक का प्राइस लगभग 400% रिटर्न डिलीवर कर चुका है एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, अगर आज यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आ जाता है, ईपीएस एंड सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, तो आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, टारगेट क्या बनेगा, डिटेल्स में हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट ओजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है IRFC का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है डेली। देखिए प्राइस यहाँ पे ईयर 2023 दिसंबर में एक बॉटम फॉर्मेशन किया था आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन को टेस्ट किया है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है। इसका मीनिंग है कि जो ब्लू लाइन यहाँ पे जा रहा है ना, इस स्टॉक का प्राइस के लिए मेजर सपोर्ट लेवल एंड एग्जैक्टली देखिए अभी लेटेस्ट जो प्राइस यहाँ पे जस्ट 5-10 ट्रेडिंग डे पहले प्राइस के लिए जो मेजर सपोर्ट बन रहा था इस ब्लू लाइन, उसी लेवल को टेस्ट किया, उसके साथ देखिए प्राइस यहाँ पे कंफर्म किया है एंड कंस्ट्रक्ट किया है एक हायर हाई फॉर्मेशन। क्योंकि देखिए प्राइस पे कंटिन्यूअसली उसका प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है एंड कंटिन्यूअसली उसका प्रीवियस हाई को यहां पे ब्रेक कर रहा है, जो कि एक बुलिश स्ट्रक्चर का साइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइस के लिए यहां पे एक मेजर सपोर्ट बन रहा था ट्रेंड लाइन, उसी लेवल को टेस्ट किया एंड जिस टाइप का प्राइस यहां पे हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली क्रिएट कर रहा है, लुक्स लाइक अगर रिजल्ट यहां पे स्ट्रांग आएगा ना, आने वाले टाइम में लाइव हाई को टेस्ट करेगा जो कि लेवल बन रहा है 192 एंड इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा अभी फिबोनाची की एक्सटेंशन के थ्रू मेजर करेंगे, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां पर हम टारगेट को मेजर कर नहीं सकते डायरेक्ट प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, वहां पे फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करना पड़ेगा। अभी के लिए हमको वेट करना पड़ेगा क्वार्टर फोर का रिजल्ट को, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अगर नेक्स्ट टारगेट देखेंगे तो यहाँ पे लाइफ हाई को अभी जो लेटेस्ट लो यहाँ पे क्रिएट किया था उसके ऊपर फिबोनाची को प्लॉट कर लेता हूँ, तो पहला टारगेट बनेगा 192 एंड जो सेकंड टारगेट बनेगा 212, थर्ड टारगेट 238 जो कि 1.600 का फेवर लेवल एंड जो मेजर टारगेट इसका बनेगा 2.618 का फेवर लेवल जो कि बन रहा है 310 के आसपास। बड़ा टाइम फ्रेम में इस टारगेट को भी प्राइस टेस्ट कर सकता है एंड क्वार्टर फोर रिजल्ट आने के बाद फिर से मैं एक अपडेट वीडियो अपलोड कर लूंगा, वहां पर आप चेक कर लीजिएगा कि रिजल्ट किस टाइप का आ रहा है एंड हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।